बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपके लिए मैं न्यू पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको मैं बनाऊँगी ऑरेंज से, मैंने ऑरेंज से ये बनाया है। आप भी बनाएं, मेरे साथ साथ बनाएं। इसमें मैं जो वूल इस्तेमाल करूँगी वो 3-ply की होगी। जो हुक इस्तेमाल करूँगी 2.5 mm की होगी। तो आइए न्यू पैटर्न शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिंग बनाऊंगी। ये देखिए रिंग तैयार हो गई है। थ्री चेन, डबल क्रोशे। डबल क्रोशे लगा रही हूँ बेस बनाने के लिए। काउंटिंग करके पूरी बेस बना के आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 22 डबल क्रोशे यहाँ पे बेस बनाने के लिए। अब मैंने ये लगा ली हैं, 21 लगा लिए हैं। और यहाँ मैं जो चेन बनाई थी, 4 chain बनाई थी, उसके टॉप पे इसको जोड़ रही हूँ। यहाँ बन गए 32 डबल क्रोशे से बेस तैयार हो गई है। अब बनाएंगे 4 chain, 1, 2, 3, 4 chain। 4 chain के बाद 1 double crochet, 1, 2 chain। इसमें स्किप कुछ भी नहीं होगा, सब पे लगेंगे। टू, थ्री, फोर, पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 1, 2, 2 chain मैंने इसमें दी हैं। यहाँ पे 4 double crochet लगाए हैं, यहाँ पे 2 लगाऊंगी। टू डबल क्रोशे, इसमें 3 chain लगेंगी। 1, 2, 3 chain। साइड में 2 chain होंगी, सेंटर में 3 chain। ये देखिए इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी 4 लगेंगे, बीच में 2 double crochet 3 chain के साथ, साइडों में 2 chain। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जो मैंने 4 chain बनाई थी इसके टॉप पे जोड़ रही हूँ। ये देखिए ये जुड़ गई। यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 and 2। यहाँ मैं इस होल में आ गई हूँ। यहाँ पे बनाऊँगी मैं 4 chain, यहाँ पे लगाऊँगी। ये डबल क्रोशे हो गया। अब 4 crochet जो नीचे लगाए हुए हैं उस पर बराबर जाएंगे। साइड पे 2 बढ़ेंगे। हमने 2 chain बनाई थी,
टू डबल क्रोशे बढ़ा रही हूँ, फिर टू चेन बनेगी, इसमें चले जाएंगे। यहाँ थ्री चेन बनाऊंगी, ये देखिए इसी तरह आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी। पहले कुछ थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। ये देखिए जो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है मॉडल, अब मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, ये यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, यहाँ तक सेम जाएगा, यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे टू चेन मेंटेन रहेंगी और इसके टू डबल क्रोशे लगेंगे, यहाँ पे सेंटर में थ्री चेन मेंटेन रहेंगी। यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये सब सेम है, रिपीट है, साइडों से टू क्रोशे बढ़ रहे हैं और बाकी सारा सेम जा रहा है। यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ, ये सारा रिपीट है। ये देखिए मेरा फाइव फ्रंट शुरू हो गया है, यहाँ तक सेम बना। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होंगी इसलिए आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हम टू चेन बनाते थे, अब यहाँ पे हम फोर चेन बनाएंगे। फोर चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर चेन। पैटर्न वही है, सिर्फ चेनों का इजाफा हुआ है, वो मैंने दिखाई है आपको। जैसे आप बनाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे थ्री चेन, पहले थ्री चेन बनाते थे, अब हम यहाँ पे फाइव चेन बनाएंगे। वन टू थ्री चेन, फोर फाइव चेन। आगे ये पैटर्न बड़ा होने वाला है इसलिए फाइव चेन बनाते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे फोर चेन बनाएंगे। अभी पैटर्न का कटिंग राउंड नहीं शुरू हुआ, नेक्स्ट राउंड जो है वो कटिंग राउंड है। जिस तरह ये मैं टू डबल क्रोशे बढ़ा रही हूँ, इसी तरह टू डबल क्रोशे कम होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बनता है, आप ज़रूर बनाइए। ये देखिए इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से फिर पैटर्न अपनी शक्ल बदली कर रहा है इसलिए आपको फिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे कटिंग राउंड भी शुरू हो गया है। यहाँ देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ते आए फाइव राउंड तक, अब कटिंग शुरू हो गई है। यहाँ से टू क्रोशे मैंने कट कर दिए, यहाँ बनाएंगे सिक्स चेन, थ्री फोर फाइव सिक्स चेन। सिक्स चेन के बाद इस होल में लगाएंगे। टू डबल क्रोशे, वन टू थ्री चेन। टू डबल क्रोशे, वन टू थ्री चेन। वन टू थ्री चेन। टू डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह हमारे पास थ्री चेन के थ्री होल बन गए हैं। यहाँ पे हम फिर लगाएंगे सिक्स चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेन। टू क्रोशे स्किप करेंगे, यहाँ पे राउंड स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए राउंड पूरा करके दिखाती हूँ, सेम कंडीशन से बनेगा। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने थ्री बनाए थे होल, अब इसमें हम थ्री में थ्री बनेंगे, सेंटर में थ्री चेन आएंगी। शुरू करते हैं, यहाँ पे सिक्स चेन बनाई है, यहाँ सेवन बनाऊंगी। वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन चेन, सेवन चेन के साथ यहाँ लगाऊंगी। टू डबल क्रोशे, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, दूसरा पैटर्न कटिंग होके छोटा हो रहा है, ये पैटर्न बढ़ रहा है। वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, सेवन चेन बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेन, टू क्रोशे माइनस करेंगे, थ्री में लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं बनाऊँगी, यहाँ पे सेवन चेन बनाई थी, यहाँ पे नाइन चेन बनाऊँगी और यहाँ पे लगाऊँगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चेन, नाइन चेन के बाद वही पैटर्न दोहराया जाएगा। सेम पैटर्न बन रहा है, सिर्फ ये बढ़ रही है, उसी वजह से मैं आपको राउंड ब राउंड दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वन टू थ्री चेन, ये देखिए नीचे हमने ये थ्री बनाए हुए थे, इसके ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव बनी है। तो ये मैंने फाइव आपको बना के दिखा दी। अब पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये फाइनल राउंड शुरू हो गया है। टेन चेन बनाई है मैंने, यहाँ फिर ये बनाऊंगी थ्री चेन के साथ। बहुत आसान पैटर्न है, आप बनाइए, आपको भी पसंद आएगा। थ्री चेन, ये देखिए यहाँ पे टेन चेन लग गई, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, साइडों से कटिंग होके उतने ही आ गए जितने यहाँ थे। अब ये फाइनल राउंड जा रहा है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अभी। ये देखिए मैंने डबल क्रोश लगाए टू टाइम्स, सेंटर में थ्री चेन, यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री चेन बना के यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे, फिर वन टू थ्री चेन, वन टू थ्री चेन, सेम तरीके से तैयार होता है। सेंटर में हम ज़्यादा चेन बनाएंगे, वन टू थ्री चेन लगा के यहाँ पे हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह बनता जाएगा, ये फाइनल राउंड है। वन टू थ्री चेन, यहाँ पे हम टेन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेन चेन लगा के फिर हम वापस यहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह, वन टू थ्री चेन, हाफ क्रोशे, हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ मैं,
यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लगी 1 2 3, इस पर मैंने 7 चेन लगाई हैं, ये 3 लग गई। इसी तरह ये 3 बनी है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 10 चेन लगाई हैं साइड पे, यहाँ पे 7 चेन हैं। अब राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा फाइनल राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह ये जिस तरह मैंने पहला बनाया था पैटर्न, इसी तरह मैंने ये दूसरा भी आपको बना के दिखाया। अब इसको आप 4 बना लें, 4 पीसेस बना के इसको जोड़ लें, और ये जितना बड़ा आप बनाना चाहें, 4 पीस 2 पीस 6 पीस, जितने भी आप बनाएंगे इनको जोड़ते जाइए। मैं आपको अभी जोड़ना सिखाऊंगी, पहले इसका धागा कट कर लूँ फिर आपको जोड़ना सिखाती हूँ। ये देखिए मेरे सेम पैटर्न दोनों तैयार हो गए हैं। पहला मैंने मॉडल बनाया था, अब आपको मैं इनको जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने लिया, ये इनकी नोके हैं, यहाँ मैं इन दोनों को जोड़ लूँगी। ये देखिए यहाँ पे 8 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन। यहाँ देखिए यहाँ मैंने दूसरे पे लगा दिया। अब ये सेंटर पार्ट आ गया, अब यहाँ पे 10 चेन बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन। 10 चेन के बाद हम इनको सेंटर से जोड़ेंगे। ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। 10 चेन के बाद फिर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन फिर हमने यहाँ जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनके टॉप पे जोड़ दिया। ये देखिए अब देखिए हमारा पैटर्न ये रहा, सेंटर से ये जुड़ गया है। ये देखिए दोनों साइडों से खूबसूरत लगता है, जिस साइड से भी आप रखें। आप 4 पीस बना लें, जितना मर्जी है बड़ा बना लें, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए पैटर्न लाता लाता नज़र आएंगे। ये देखिए यकीनन आपको पसंद आया होगा और आप लाजमी बनाएंगी, ज़रूर बनाइए। दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।